समाज में और पूरे संसार में अलग अलग समय अलग अलग महापुरुषों ने कुछ बड़े परिवर्तन किए और हम अपने भारतीय आध्यात्मिक महापुरुषों को अपना पूर्ण आदर्श मानते हैं। सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जब विदेशी लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं तो वो हमारे पूर्ण रूप से आदर्श नहीं है, लेकिन आंशिक रूप से उनके उदाहरण दिए जाते हैं। किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए वो महापुरुष किसी भी धरती पर हुए या उन्होंने किसी भी क्षेत्र में कोई आदर्श कार्य किया, या हम कुछ को आदर्श कार्य भी नहीं कह सकते, लेकिन आंशिक रूप से हम उनका उदाहरण देते हैं। जैसे हम अंग्रेजों का जब उदाहरण देते हैं तो अंग्रेज हमारे लिए आदर्श नहीं है कि उन्होंने 70 से ज्यादा दुनिया के देशों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया तो वह हमारे लिए आदर्श है और हमें भी वैसे ही करना है, लेकिन उनसे भी कुछ सीख सकते हैं अपन। हमारे ऋषियों ने कहा कि हमें पशुओं से भी सीखना चाहिए, हमें अपने शत्रु से भी सीखना चाहिए, अपने मित्र से भी सीखना चाहिए। कुछ चीजें सीखने जैसी होती है। तो दुनिया के अंदर कुछ महापुरुषों ने या कुछ पुरुषों ने या हम कहेंगे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसी ने आर्थिक क्षेत्र में, किसी ने राजनीतिक क्षेत्र में, किसी ने सामाजिक क्षेत्र में, किसी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज की भिन्न भिन्न धाराओं में कुछ ऐतिहासिक काम किए। उसी परंपरा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैंने भाई राजीव जी से कहा कि कुछ ऐसे उदाहरण जिससे कि हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह रहे, एक जोश रहे। कभी भी पूरी दुनिया में कोई भी कितनी भी बड़ी क्रांति हुई है, भीड़ उसमें बाद में जुटती है, लेकिन उस आंदोलन को, उस क्रांति को, उस परिवर्तन को शुरू करने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं और शुरू में हमेशा उनका तिरस्कार होता है, अनादर होता है, उसको जमाना अस्वीकार कर देता है, लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग रहते हैं और निरंतर वो संघर्ष करते हैं तो अंत तो गत्वा वो विजयी होते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसे उदाहरण है, वर्तमान में भी ऐसे उदाहरण है। थोड़े से उदाहरण आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए मैं भाई राजीव जी को आमंत्रित करता हूं और मुझे भरोसा है कि उससे आपको जरूर एक और नई प्रेरणा मिलेगी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के कार्य में लगे हुए सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, आज मैं आपसे दुनिया के कुछ ऐसे लोगों के बारे में छोटी छोटी बातें करूंगा जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने उत्साह से अपने देश को बदला, अपने देश के आसपास की दुनिया को बदला और आज इतिहास में उनका नाम ऐसे ही अमर है जैसे दुनिया हम सबके सामने अमर है। और आपको वो उदाहरण इसलिए देने हैं कि आप ये अंदाजा लगा सकें कि बड़े काम करने वाले लोग कितने छोटे से शुरुआत करते हैं। जब भी दुनिया में कोई बड़ा काम हुआ है उसकी शुरुआत बिल्कुल छोटे से हुई है, बिल्कुल थोड़े स्तर पर हुई है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भारत स्वाभिमान के कार्य के लिए प्रवास करता हूं सारे देश में
और दूसरे आंदोलनों से और दूसरे महापुरुषों से तुलना करने लगता हूँ, वैसे तुलना करना अच्छा नहीं होता, तो मुझे लगता है कि हमने तो काफी बड़े पैमाने पे काम शुरू कर रखा है, हमसे भी छोटे छोटे स्तर पे काम शुरू किए हुए लोगों ने दुनिया फतेह की है। सबसे पहला उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो ईसा मसीह का, जिन्होंने जिनके नाम पर सारी दुनिया में ईसाइयत चली, फैली और स्थापित हुई। वो ईसा मसीह के जीवन की दो तीन बातें। सबसे पहली बात कि ईसा मसीह एक सामान्य घर में पैदा हुए। आप जानते हैं भेड़ बकरी चराने वाला परिवार था, चरवाहों का परिवार था, और चरवाहों का परिवार सामान्य माना जाता है सारी दुनिया में, तो बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा हुए। भेड़ बकरी चराने वाले लोगों के चरवाहों के परिवार में पैदा हुए, और किसी ने भी शुरुआती दिनों में उनकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। जब वो किसी के सामने कुछ व्यक्त करते थे तो लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, मजाक करते थे, कई लोग पत्थर फेंकते थे, कई लोग उन पर थूक दिया करते थे, और जब वो जाते थे अपनी बात कहने के लिए तो उनकी ऐसी सैकड़ों सभाएं थी जिनमें कभी 5 लोग सुन रहे हैं, कभी 4 लोग सुन रहे हैं, कभी 3 लोग सुन रहे हैं, कभी 7 लोग सुन रहे हैं उनकी सभाओं को। ईसा मसीह जब सभाएं करते थे, अब उस जमाने में माइक तो था नहीं और ना कोई आधुनिक साधन थे जैसे आज हमारे पास उपलब्ध है, फिर भी वो सभाओं के लिए नियमित रूप से निकलते थे। उन्होंने ये संकल्प ले रखा था कि मुझे मेरी बात लोगों को कहनी है, लोग सुने तो अच्छा है, ना सुने तो भी कहनी है, अपनी बात कहूंगा। और इस संकल्प से वो हर दिन निकलते थे और हर दिन की सभा में कुल जोड़ मिलाकर कभी 7, कभी 8, कभी 10, कभी 5, कभी 3, कई बार तो ऐसा होता था कि वो अकेले बोल रहे होते थे और शायद कोई सुनने वाला नहीं होता था। एक बार किसी ने कहा कि कोई सुनने वाला तो है नहीं, आप बोल किसको रहे हैं, तो कहते थे अपने को बोल रहा हूं, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेरे को बोल रहा हूं, अपने को सुना रहा हूं। तो किसी ने पूछा क्यों कर रहे हैं, ये तो मूर्खता का काम है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि ये मूर्खता का काम नहीं है, मेरे संकल्प को पक्का करने के लिए ये मैं अपने को ही अपनी बात सुनाता हूं। और एक बड़ी गहरी बात उन्होंने कही थी उस समय, जो आज भी सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणा जैसा काम करती है, वो ये कहा करते थे कि जब हम किसी को कुछ कहते हैं तो दूसरे को कहने से पहले अपने आप को कहते हैं। हम जब दूसरे को संबोधित कर रहे होते हैं तो दूसरे से हमारा संबोधन बाद में होता है, पहले हम अपने आप को संबोधित कर रहे होते हैं। और ये बात आज तक ईसा मसीह से आज तक, आप समझ लो कितने हजार साल का समय बीत गया, किसी ने इसका खंडन नहीं किया है, मान लिया है कि ये सच है, परम सच है कि जब हम किसी को बोल रहे होते हैं तो अपने आप को पहले संबोधित करते हैं। तो ईसा मसीह कहा करते थे कि कोई नहीं सुनता है मेरी बात को, फिर भी मैं बोलता हूं ताकि मेरा संकल्प पक्का होता रहे, मेरा विचार पक्का होता रहे और मैं मेरे रास्ते से भटक ना जाऊं। ऐसे व्यक्ति ने एक पंथ बनाया या संप्रदाय बनाया। वैसे तो कहा यह जाता है, इतिहास के दस्तावेज ये कहते हैं कि अपने जीते जी उन्होंने कोई पंथ नहीं बनाया, संप्रदाय नहीं बनाया, लेकिन उनके चले जाने के बाद, इस दुनिया से चले जाने के बाद, उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने एक संप्रदाय बना दिया जो आज दुनिया में 1-2 करोड़ में नहीं है, सैकड़ों करोड़ की संख्या में है। तो ध्यान रखिए कि ईसा मसीह की बात को ध्यान में रखकर जो संप्रदाय बना है आज सैकड़ों करोड़ की संख्या में, कम से कम ऐसा माना जाता है सारी दुनिया में 200 करोड़ लोग तो ऐसे हैं ही जो पक्के ईसा मसीह के संप्रदाय वाले हैं, उनमें कैथोलिक्स ज्यादा है, प्रोटेस्टेंट बहुत कम है, कुछ आधे अधूरे माने जाते हैं जो आधे ईसाई हैं और आधे दूसरे संप्रदाय में भी हैं, उनको मैं नहीं गिन रहा हूं। खाली अपने आप को ईसा मसीह के संप्रदाय का मानने वाले, मतपथ का, पंथ का मानने वाले 200 करोड़ से तो ज्यादा है ही। तो जिन्होंने अपने व्याख्यानों में 1-1, 2-2 लोगों को संबोधित किया हो,
उनके नाम पर या उनकी शिक्षाओं के आधार पर बना हुआ जो संप्रदाय है आज 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में फैल चुका हो, तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि आप जब निकलते हैं अपनी यात्रा पर और आपका संकल्प अगर पक्का है, आप अपने लिए पक्के हैं, तो दुनिया तो आपके लिए पक्की होने ही वाली है, दुनिया तो आपके लिए झुकने ही वाली है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दूं आपको मोहम्मद साहब का। मोहम्मद साहब जिनके नाम पर इस्लाम की स्थापना सारी दुनिया में हुई है, उन मोहम्मद साहब के बारे में जितनी कहानियां सारी दुनिया में प्रचलित है, जो उनके दस्तावेज है जिनको माना जाता है कि वो सारे प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें भी ये बात आपको देखने को मिलेगी कि मोहम्मद साहब भी अपनी बात को कहने के लिए, अपने मत को व्यक्त करने के लिए जब निकलते थे अपने घर से परिवार से, तो उनके लिए भी यही स्थिति होती थी कि सुनने वाले कहीं दो, कहीं तीन, कहीं पांच, कहीं सात, कहीं दस, कहीं बारह, कहीं पंद्रह, और ये सिलसिला सालों तक चला, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुए। और उनसे भी जब ये कहा जाता था कि कोई तो सुन नहीं रहा है, तो वो कहते थे कि आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, दो दिन बाद सुनेंगे, दो साल बाद सुनेंगे, 20 साल बाद सुनेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इस रास्ते पर चलेंगे। और जिस समय मोहम्मद साहब निकले अरब देशों में इस्लाम की स्थापना के लिए या इस्लाम के मूल्यों की स्थापना के लिए, उस समय का समाज तो बहुत खराब था। अगर उस समय के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे समूहों में लोग रहा करते थे, जिनको कबीला कहा जाता है। तो ये छोटे समूह कबीले जो हुआ करते थे, ये आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने के लिए मारामारी किया करते थे। एक समूह, एक कबीला दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है तो दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, चौथा पांचवें पर। और इसी में से डार्विन ने ये कह दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन्हीं लड़ाइयों को समझ के देख के, कि जो ज्यादा मजबूत कबीला है, जो ज्यादा मजबूत संप्रदाय है वो जिंदा रहेगा, जो कमजोर वाला है वो मारा जाएगा। तो इन कबीलों के आपस के झगड़े और एक दूसरे के मतों के खिलाफ विश्वमन, एक का मत है, दूसरे का दूसरा मत है, तीसरे का तीसरा मत है, और एक दूसरे के खिलाफ जहर, और इतना जहर कि पूरा खत्म कर देना उसको, बीज मात्र से खत्म कर देना, ऐसे कबीलों में नरसंहार हुआ करते थे। उस जमाने में मोहम्मद साहब निकले और उनका सबसे पहला प्रयास ये था कि आपस में बटे हुए जो कबीले हैं, संप्रदाय हैं, समूह हैं, इनको पहले एक सूत्र में बांधा जाए, और उस एक सूत्रता के लिए उन्होंने इस्लाम को सामने लाया, जो शिक्षा के रूप में सारे लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। और धीरे 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 मोहम्मद साहब तो चले गए इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन उन्होंने जो बीज डाला था, जिसको परम पूजनीय स्वामी जी सवेरे कह रहे थे वट बीज, वो बीज ऐसा पुष्पित और फल मन देने वाला निकल गया कि आज दुनिया में उनको मानने वाले लोगों की संख्या 150-200 करोड़ से कम नहीं है, जो मोहम्मद साहब की सारी बातों को आदर्श मानते हैं और उसके लिए मरने मारने को मिटने को तैयार रहते हैं। उन्होंने तो दो दो तीन तीन चार चार लोगों की सभाओं से अपनी बात कहना शुरू किया था, और आज उस बात को मानने वाले 150-200 करोड़ पूरी दुनिया में है, और ये कम संख्या नहीं होती है, बहुत बड़ी संख्या है। और एक दो नहीं है, 50 से ज्यादा देश है जो पूरी तरह से इसी को मानते हैं, इसी मत को, इसी पंथ को और इसी संप्रदाय को मानते हैं। देशों के देश ऐसे ही बदल जाना ये कोई सामान्य बात नहीं होती है। और मैं इस बात को थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं। सारी दुनिया में एक भ्रम है, शायद हमारे मन में भी भ्रम है, कि तलवार के जोर पर आप किसी को अपना मत मनवा सकते हो। तलवार के या तलवार के जोर पर फैला है, ये संकल्प उत्साह के जोर पर सारी दुनिया में फैला है। मोहम्मद साहब का जो संकल्प था और उनका जो उत्साह था, उत्साह का अंदाजा लगाओ
कि दो आदमी सुनने वाले हैं तो भी अगले दिन जा रहे हैं सभा करने, भले दो ही आएंगे और उनको कोई ये भी कहते कि भाई एक ही आएगा तो एक आदमी को भी समझाने को जाने के लिए तैयार है, माने वो उनके मन में ये है कि हजार सुने या एक, मैं तो कहूंगा जी अपनी बात जो मुझे लगता है ये सच है। तो ये जो कहने के मन में संकल्प आ जाते हैं ये तो बड़ी नींव खड़ी कर देते हैं किसी भी आने वाले समय के लिए। तो ये दो बड़े उदाहरण हमारी दुनिया में है, एक ईसा मसीह का, एक मोहम्मद साहब का। ये दोनों अपने अपने संप्रदायों के लिए आध्यात्मिक पुरुष रहे हैं और इन दोनों ने अपने अपने संप्रदायों की आध्यात्मिक मान्यताओं को, मूल्यों को सारी दुनिया में अपने तरीके से स्थापित किया है। हर संप्रदाय के अपने अपनी मान्यताएं होती हैं और उनके आधार पर फिर उनकी संस्कृति, सभ्यता, उनकी परंपरा, सब कुछ उसी में से निकलता है। मान्यता पहले होती है, उसके बाद सब चीजें उसमें से निकलती जाती हैं। तो उन्होंने अपनी मान्यताओं के हिसाब से जो चीजें स्थापित की आज तक वो दुनिया में चली आ रही है। तो दो मैंने उदाहरण दिए आध्यात्मिक महापुरुषों के, दो तीन उदाहरण देता हूं राजनीतिक महापुरुषों के। एक राजनीतिक महापुरुष माना जाता है सारी दुनिया में सिकंदर। ईसा मसीह के जन्म से करीब 356 साल पहले उसका जन्म हुआ। सिकंदर, माफ करना, एडी जिसको कहते हैं ना आफ्टर डेथ, और एक बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो 356 बीसी बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के पहले 356 साल में जन्म हुआ और बचपन 7-8 साल का रहा सिकंदर का। 7-8 साल में मन में एक संकल्प ले लिया कि मुझे तो राजा होना है, और इस पूरी बिखरी हुई रियासत को एक कर देना। मकदूनिया नाम का एक छोटा सा स्थान है ग्रीस में, अब तो ग्रीस के अंदर आ गया है, पहले ये मकदूनिया ग्रीस के बाहर हुआ करता था। और मकदूनिया जैसे छोटे 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 कई खंड थे उस इलाके में, उस 8-9 साल की उम्र में उसकी समझ में ये बात आई कि ये तो एक कर देना है मुझे, और मन में बैठ गया 8-9 साल में और बनाता रहा, सोचता रहा, बनाता रहा, सोचता रहा। 21 साल की उम्र में उसने करके दिखा दिया जी। 21 साल की उम्र क्या होती है आप सोचो, हम में से पता नहीं कितने लोगों की उम्र 21 से ऊपर हो चुकी है। सिकंदर ने अपनी उम्र के 21वें साल में अपने छोटे छोटे बिखरे हुए रियासतों को, राज्यों को खड़ा कर दिया एक देश के रूप में। और जब उसका देश बन गया, मजबूती से खड़ा हो गया, तब वो निकल गया विश्व विजय के अभियान पर। सिकंदर के दस्तावेज बताते हैं कि जब उसने अपने देश को एक किया था तो पहला विचार उसने जिसके साथ साझा किया कि भाई मुझे मेरा देश एक करना है, तो खिल्ली उड़ाई थी उसकी कि ये कभी हो सकता है, हजारों साल से ये छोटे छोटे कबीलों में टुकड़ों में बटा हुआ है। सिकंदर ने कहा कि जो नहीं हो सकता वो ही तो करूंगा, इसीलिए तो पैदा हुआ, इसीलिए तो आया हूं। और वहां से जब उसकी खिल्ली उड़ाई जाती थी इस विचार को, और 21वें साल में उसने अपने विचार को क्रियान्वित करके दिखा दिया, तो सलाम करना शुरू किया दुनिया ने। और जब दुनिया झुकी उसके सामने तो उसने दुनिया को जीतने के लिए अभियान चला दिया। 13 साल में 18 देश जीते उसने। 13 ही साल में निकला था पूरी दुनिया के अभियान पर, विश्व विजय का अभियान, 18 देश जीते। और जब निकला था तो 42,000 सैनिकों को लेके निकला था अपने साथ। और दुनिया में जब विश्व विजय का अभियान उसका आखिरी हुआ और जब वो मरा, तो कहा जाता है कि उसके व्यक्तिगत सैनिक 1.5 लाख से ज्यादा थे जो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा में लगे हुए व्यक्तिगत। और उसकी सेना में ये व्यक्तिगत सैनिकों का कुछ ऐसा ही कहानी है जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले कुछ अंगरक्षक है ना, वैसे उसके व्यक्तिगत अंगरक्षक 1.5 लाख से ज्यादा थे। लेकिन एक और महत्व की बात जो समझने की है कि भारत जब वो आया तो उसके व्यक्तिगत सैनिक बहुत थोड़े से आए थे, सब तो नहीं आए उसके साथ, और उसके राजनीतिक सैनिक भी थोड़े से ही आए थे। इस गलतफहमी में कि भारत को तो आसानी से जीता ही जा सकता है, भारत के बारे में उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि इस देश को तो मैं आसानी से जीत लूंगा, तो बड़ी फौज नहीं लाया, अपने व्यक्तिगत सैनिक भी नहीं लाया, और वही गलतफहमी में वो यहां हारा। और पोरस ने, जिसको हमें पुरु कहना चाहिए, अंग्रेजों ने उस पुरु को पोरस कर दिया, तो पुरु ने, अकेला पुरु था जिसने सिकंदर को हराया और यहां से वापस उसको बैरन लौटा।
आप इसमें अंदाजा ये लगाओ कि अगर सिकंदर जैसे आदमी जिसने 18 देश जीत लिए थे 13 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में तो मौत हो गई सिकंदर की, इतनी कम उम्र में वो चला गया सारी दुनिया से, तो अगर सिकंदर का कोई संकल्प था दुनिया जीतने का और 18 देश उसने जीत लिए थे, तो पुरो का संकल्प उससे भी बड़ा रहा होगा कि सिकंदर जो दुनिया का विजेता था उसको उसने भारत की धरती से बैरंग लौटा दिया और उसको वापस जाना था। तो पुरु ऐसा अद्भुत इस देश का राजा हुआ है और पुरु के बारे में हमारे भारत के पुराने शास्त्रों में बड़ी कहानियां हैं, आप जरूर पढ़ सकते हैं। एक दो बातें बहुत ध्यान देने की हैं कि पुरु जो है माना जाता है कि सबसे ज्यादा नियोजन से काम करने वाला और कम संसाधनों से ज्यादा परिणाम लेने वाला भारत का चक्रवर्ती सम्राट रहा है। ये चक्रवर्ती सम्राट की परंपरा हमारे यहाँ जो स्थापित हुई है इसके बारे में एक वाक्य में कहता हूं, चक्रवर्ती सम्राट होता कौन है हमारे देश में, तो पुरु के कद का अंदाजा लगेगा आपको। भारत में एक छोटा गांव जो होता है ना उसका कोई राजा हो उसको सरपंच कहा जाता है, जब वो 10 गांव का राजा हो जाता है उसको नायक कहते हैं, जब वो 100 गांव का राजा होता है तो सामंत कहते हैं उसको, जब 1000 गांव का होता है तब राजा कहलाता है, और जब 10,000 गांव का हो जाता है तो वो महाराजा हो जाता है, और 1,00,000 गांव का जब राजा होता है तो सम्राट होता है, और 7,00,000 से ज्यादा गांव का राजा हो तो चक्रवर्ती सम्राट होता है। पुरु भारत का चक्रवर्ती सम्राट था, माने आप उसके कद का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसने टक्कर ली थी एक ऐसे व्यक्ति से जो 18 देशों का विश्व विजेता था, तो कोई साधारण बात नहीं थी। भारत के बहुत सारे राजाओं ने तो हैरानी और परेशानी में हथियार डाल दिए थे, पुरु ने हथियार नहीं डाले थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब संकल्प होता है और उत्साह भी आप में आ जाता है और उत्साह इतना होता है कि आपको इस बात की परवाह नहीं कि सामने 1 बैठे हैं या 1,000 या 10,000, तो आप अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर पाते हैं। एक दो और उदाहरण देता हूं, नेपोलियन बोनापार्ट एक हुआ फ्रांस में। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना बहुत ऊंचे कद का आदमी नहीं था, बिल्कुल छोटा सा नाटा सा मध्यम दर्जे का कद था, कोई हष्टपुष्ट शरीर भी नहीं था, जैसा कि अक्सर यूरोप में माना जाता है कि राजा बहुत ऊंचा बहुत लंबा बहुत बलिष्ठ बहुत ताकतवर सामान्य सा दिखने में आदमी था। 5 फुट शायद 4 इंच की उसकी ऊंचाई मानी जाती है, तो 5 फुट 4 इंच से तो आप में से कई लोग बहुत ऊंचे हैं। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फ्रांस के बारे में एक फैसला किया था। जिस समय इसका जन्म हुआ 1769 के आसपास, तो उस समय का फ्रांस बहुत बिगड़ा हुआ था। वही समस्या थी फ्रांस की, छोटे छोटे रियासतें, छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे संप्रदाय, और हर समय एक दूसरे से लड़ना, हर समय एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे पर आधिपत्य जमाना, कोई बाहर वाला आ जाए तो उससे लड़ते रहना, हाँ सारा समय लड़ाई 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 में बीतता था। ऐसे समय में नेपोलियन बोनापार्ट निकला और इसने सबसे पहला अपना काम ये किया, बहुत कम उम्र में भी ये आदमी करीब 22-23 साल की उम्र में ये निकला, और इसने पहले अपने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फ्रांस को एक बड़ा रूप दे दिया। आज का जो फ्रांस आपको दिखाई देता है ना उसकी जो सीमाएं हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट ने तय की हुई सीमाएं हैं। आज का जो फ्रांस हमें दिखाई देता है नक्शे में आप देख सकते हैं, भौगोलिक नक्शे में देख सकते हैं, इसलिए फ्रांसीसी लोग इसका बहुत सम्मान करते हैं। उसने अपने छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए देश को एक खड़ा किया, फिर उसके बाद पड़ोसी देशों से उसके झगड़े हुए और जिन जिन देशों ने फ्रांस की जमीनें दबा रखी थी सबसे वापस ली। इटली ने फ्रांस की बहुत सारी जमीन दबा रखी थी, फ्रांस और इटली बिल्कुल सीमा पर बने बसे हुए देश है, बीच में एक पहाड़ी है उसको आल्प कहते हैं और फ्रांसी लोग उसको लेजाल्प कहते हैं, तो ये आल्प की पहाड़ी है ये दो देशों को अलग करती है, इटली इधर हो जाता है फ्रांस इधर हो जाता है। तो इटली वालों ने काफी जगह दबा रखी थी और नेपोलियन बोनापार्ट ने पहले देश खड़ा करके इटली से अपना सब छीना, फिर पड़ोसी ऑस्ट्रिया ने इनके साथ कुछ बदमाशी कर रखी थी उस ऑस्ट्रिया को सबक सिखाया, और अंत में इसकी हिम्मत देखो कि जिन अंग्रेजों का साम्राज्य दुनिया के 70 देशों में चल रहा था उन अंग्रेजों से इसने टक्कर ली थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। और अंग्रेजी इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर ये थोड़े दिन जिंदा रह गया होता तो वापस अंग्रेजों को फ्रांस का गुलाम होना पड़ता था।
ये तो इसकी समय से पहले मौत हो गई नेपोलियन बोनापार्ट की, ये बेचारा मर गया पेट के कैंसर से, इसको पेट में कैंसर था तो बीमारी से मरा, युद्ध में नहीं मरा, हार के नहीं मरा, अपने देश को दुनिया के देशों के सामने इसने गौरवान्वित कराया और सारी दुनिया में नाम कमाया और समय से पहले मर गया। अंग्रेज लोग इसका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं अपने ईश्वर का कि भगवान ने जल्दी मार दिया बोनापार्ट को, नहीं तो ये तो इतना कट्टर वो था संकल्प वाला कि पूरे इंग्लैंड को जीत लेना, पूरे आयरलैंड को जीत लेना, पूरे स्कॉटलैंड को जीत लेना, ऐसी योजना उसने बना रखी थी। और अंग्रेज चूंकि इससे भिड़े हुए थे उन्हीं दिनों में भारत में उनके सैनिकों की संख्या कम इसलिए थी कि वो नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ते रहे और उसके कारण भारत में कुछ ज्यादा वो उस दौर में नहीं कर पाए थे। तो ये एक ऐसा आदमी था। एक और उदाहरण देता हूं, वैसे सारी दुनिया गाली देती है लेकिन उससे हम भी कुछ सीख सकते हैं तो सीख है। हिटलर नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपने जर्मनी को खड़ा किया। अभी दुनिया उसको गाली दे ठीक है, लेकिन जर्मनी को खड़ा तो उसी ने किया। ये जो हिटलर था, हिटलर के समय का जर्मनी बहुत खराब था। 1923 में इसने अभियान शुरू किया था और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब इसने अभियान शुरू किया था तो बहुत लोग इसके साथ में नहीं थे। एक तो हिटलर की विशेषता दो है जो समझनी चाहिए। इसका जन्म जर्मनी में नहीं हुआ, जन्म इसका हुआ ऑस्ट्रिया में, और उम्र के काफी लंबे समय तक ये ऑस्ट्रिया का ही नागरिक था। इसको जर्मनी की नागरिकता नहीं दी, रहता जर्मनी में था लेकिन नागरिक था ये ऑस्ट्रिया का। बहुत दिन बाद इसको नागरिकता मिली जर्मनी की, और जर्मनी की नागरिकता लेकर फिर इसने जर्मनी को संगठित किया। 1923 के आसपास की कहानी है। पूरा जर्मनी और यूरोप उस समय बहुत बुरे आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई थी, महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, लोगों की आम जिंदगी बहुत तकलीफ में थी। ऐसी स्थिति में ये निकला हिटलर, और जर्मनी को पहले संगठित करते 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 एक दिन राष्ट्रपति बन गया। लोगों ने इतना प्रेम दिया इस आदमी को कि ये राष्ट्रपति हो गया, और राष्ट्रपति होने के बाद फिर इसने जर्मनी को जैसा खड़ा किया वो जर्मनी आज सारी दुनिया के सामने एक देश के रूप में है। कई बार मैं ये सोचता हूं कि अगर हिटलर नहीं होता तो आज का जर्मनी भी नहीं होता। वो क्रूर था, ये बिल्कुल सही बात है, और वो क्रूर इतना था कि उसने लाखों लाखों लोगों के कत्ल करवाए थे। ज्यूज लोग आप जानते हैं, यहूदी लोग, बड़े पैमाने पर उसने यहूदियों को मारा था। और यहूदियों को मारे जाने के बारे में जितने रिसर्चेस अभी तक हुए हैं वो रिसर्चेस बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 15 लाख यहूदियों को मारा, कुछ साहित्यिक माने इतिहासकार कहते हैं 60 लाख को मारा, कुछ कहते हैं 63 से 70 लाख। अब आंकड़े अलग अलग हैं सबके, लेकिन इसने पूरी नस्ल को खत्म कर देने की योजना तो बनाई थी। और कारण उसका एक ही था कि जिस समय हिटलर का उदय हुआ जर्मनी में, उस समय जर्मनी सारा ज्यूज लोगों के हाथ में था, जर्मनी के सारे संसाधन सारे रिसोर्सेस ज्यूज लोगों के हाथ में थे। उनकी संख्या तो बिल्कुल थोड़ी थी, पूरी जर्मनी में 2 या 3% थे, लेकिन सारा देश उनके कब्जे में था। और हिटलर का यही कहना था कि ये सारे संसाधन जर्मनी के लोगों के बीच में बंटने चाहिए, ये 2-3% लोगों के हाथ में क्यों रहनी चाहिए। ये मान्यता लेकर वो निकला, जबरदस्त वक्ता था। उसके भाषण के बारे में कहा जाता है कि जब वो बोलना शुरू करे तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लोग हिलते नहीं। और उसके भाषणों के बारे में बहुत जगह लिखा जाता है जिसमें हमको हंसी आएगी कि लोग 6-6 घंटे उसका भाषण सुनते थे, पेशाब करना जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। पानी को उबालना जरूरत नहीं, केमिकल बिल्कुल नहीं।
अनुभव का सिर्फ 2500 में कैंट में है यूएस में है जो पानी के जरिए एक साथ हानिकारक सिस्टम निकालता है और पानी होता है। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। हमारे संस्कार, हमारी पहचान, MDH मसाले, the real spice of India. अमर अम्मू अंकल के साथ अपने करते डर नहीं लगता? अम्मू अंकल से नहीं डरता क्योंकि मैं सच उसको खाता। एक्टिंग शक्ति ने खुले शक्ल लम्बू अंकल को दिखाता। रश्मि इतनी कच्ची है वो मैं उनको मैं बनाता। सुबह को है ना लम्बू अंकल से सुबह पाते किचन की भोलिया गरम मसाला पाव भजिया जल्दी चाट मसाला असली मसाले सच सच अरे भाई लगता है पूरी फैमिली फिल्मिंग जा रही है। नहीं भाई, पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ ESI के। ESI के? हाँ, वहाँ हमारे फोटो लिए जाएंगे और फिर मिलेगा हमारा नया पहचान कार्ड। इससे हमें ESI की सुविधा भविष्य में कहीं भी कभी भी मिलेगी। आप भी आइए अपने परिवार के साथ और बनवाइए नया पहचान कार्ड। ESI पहचान कार्ड कहीं भी कभी भी। दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले सच सच MDH। अब मैं खुजली मैं रैश दोनों मिलकर सुथाल से। क्या आपके पास सुथाल स्किन लोशन है? जी तो पेश करते हैं जैन विद्यार्थियों के लिए सर्व शिक्षा लोन योजना। आइए भारत में शिक्षा के लिए 10 लाख तक की लोन और विदेश में शिक्षा के लिए 20 लाख तक की लोन, वो भी बिल्कुल किफायती और आकर्षक दर पर। इतना ही नहीं, 1 लाख तक की लोन के लिए जीतो के खास सब्सिडाइज्ड ब्याज दर। अधिक जानकारी के लिए जीतो का संपर्क करें। और आप उसके भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं निकाल सकते जो फालतू है। शब्दों का संयोजन ऐसा उसके भाषण में, कई बार हम लोग बहुत सारे फालतू शब्द बोल देते हैं और बाद में पता चलता रहे तो फालतू ही बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो शब्द के लिए पहले हम कोई शब्द बोल चुके होते हैं। हिटलर के भाषण के बारे में ये था, एक शब्द फालतू नहीं, पूरा भाषण एकदम कसा हुआ, एकदम व्यवस्थित। ऐसा व्यक्ति, उसने जर्मनी को खड़ा किया और ना सिर्फ जर्मनी को खड़ा किया बल्कि यूरोप को ऐसा धक्का दिया कि जर्मनी आज तक स्वतंत्र है, वरना यूरोप के सारे लोग मिलकर जर्मनी पे कब्जा करने की योजना बना चुके थे। हिटलर ने बचा लिया अपने देश को और उसने फिर दूसरे विश्व युद्ध का एक बड़ा कारण हिटलर था। और अभी जो इतिहास के नए तथ्य सामने आए हैं, पहले विश्व युद्ध का भी बड़ा कारण हिटलर ही था। दूसरा विश्व युद्ध तो पक्का उसी ने शुरू किया था, ये तो सारी दुनिया आप कहती है। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1917 का भी सारा खेल उसी का किया हुआ था। एक और बात कहता हूं, लेनिन की बात जरा करता हूं, अद्भुत व्यक्ति है ये भी। रूस में हुआ और रूस में जिस समय लेनिन का जन्म हुआ था 1870 के आसपास की बात है, 22 अप्रैल 1870, ये लेनिन के समय में रूस बहुत बिगड़ा हुआ था। रूस में क्या था, वही हालत थी जैसे आज के भारत की हालत है। किसान भूखे मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। किसानों की जो खेती होती है वो बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में बंधक हो गई थी। बड़े बड़े उद्योगपति जो उस समय हुआ करते थे उनके नीचे मजदूर सारे गुलामी में बैठे हुए थे। तो मजदूरों को बड़े उद्योगपतियों के कहने पर कम से कम वेतन पे ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता था, रहने खाने की सुविधाएं नहीं होती थी, मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह से व्यवहार किया जाता था और किसानों के खेत छीन रखे थे जमींदारों ने। और सारे किसान बेचारे खेती करते थे अपने खेतों पर, लेकिन उनको कुछ उत्पादन का हिस्सा नहीं मिलता था, कुछ उनके जिंदा रहने भर के लिए जितना जरूरी है उतना ही दिया जाता था। ऐसे समय में लेनिन निकला और उस समय की जो सरकार थी उसको जार कहते हैं, और पॉलिटिकल साइंस में एक शब्द इस्तेमाल होता है जारशाही। तो जार वहां का राजा था,
बहुत अत्याचारी था, बहुत क्रूर था, लेनिन ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला था। और आप हैरान हो जाएंगे कि राजा से टक्कर लेना और उसके खिलाफ मोर्चा खोलना, इसके पास कार्यकर्ता बहुत थोड़े से ही थे, मुश्किल से 40-42 कार्यकर्ता थे। लेकिन संकल्प ऐसा कि 40-42 कार्यकर्ताओं की संख्या को 1 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया लेनिन ने, घूम घूम के गांव में, घूम घूम के, घूम घूम के। और ऐसे व्याख्यान देना, 3 आदमी मिले, 4 मिले, 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, उनको अपनी बात समझाना। समझाते समझाते एक दिन 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके समर्थक और 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसके दीवाने हो गए। और उन्होंने मिलके 1917 में क्रांति मचा दी, जार का तख्ता पलट दिया। और उसके बाद सोवियत संघ में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हुए हैं। एक दो और कह दूं, गैरी मॉल्डी एक बहुत बढ़िया आदमी, इटली का, और उसका एक दोस्त था मेजिनी। हमारे भारत के एक महानायक हुए सुभाष चंद्र बोस, आप सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किसी से हुए तो वो गैरी मॉल्डी और मेजिनी, ये दो लोग थे। दोनों इटली के रहने वाले थे, लगभग एक जैसे ही थे, एक की उम्र और दूसरे की उम्र में 1 साल का अंतर था। दोनों साथ में काम करते थे, यंग इटली करके इन्होंने एक संगठन शुरू किया था। और इटली की उस समय हालत थी, जिस समय ये गैरिबाल्डी आया 1807 में इसका जन्म हुआ, जन्म के 22-23 साल में इसने कोई सामाजिक अभियान शुरू किया था एक संगठन बना के, यंग इटली। मेजिनी और ये गैरिबाल्डी का बनाया हुआ संगठन था। ये दोनों दोस्त जैसे थे। इन्होंने इटली उस समय 8 हिस्सों में विभाजित, 8 टुकड़ों में बटा हुआ एक देश था। और वियना उस समय थोड़ा ज्यादा ताकतवर देश था, तो वियना ने एक बार इटली पर कब्जा कर लिया था हमला करके, और वियना के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने इटली को 8 हिस्सों में बांट दिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उस समय ये गैरिबाल्डी और मेजिनी दो पैदा हुए, 1807 में, 1806 में। दोनों ने मिलकर संगठन बनाया यंग इटली। अब ये संगठन जब बना, उस दिन की कहानी अगर आप सुनेंगे तो 6 सदस्य थे उसमें, ये 2 और 4, 6 लोगों ने मिलकर एक संगठन शुरू किया। और वो संगठन धीरे 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 इतना ताकतवर हुआ कि एक दिन उस संगठन ने पूरे इटली को, जो 8 टुकड़ों में बटा हुआ देश था, एक पूरा देश बना दिया। और आज इटली जो पूरी दुनिया के सामने है, और इटली की जो सीमाएं तय हुई है, ये गैरिबाल्डी और मेजिनी का चमत्कार है, उन दोनों के संकल्प का परिणाम है। भारत के महानायक सुभाष चंद्र बोस अक्सर ये कहा करते थे कि अगर इटली जैसे देश को, जो 8 टुकड़ों में बटा हुआ, भगवान ने जिनको कोई संसाधन ना दिए, और 6-7 लोगों का संगठन लेकर 2 लोगों ने अगर इटली को स्वाधीन करा लिया, आजाद करा लिया, तो मैं भारत के 32 करोड़ लोगों के लिए ये काम क्यों नहीं कर सकता। इटली की उस समय आबादी मुश्किल से 1.5 करोड़ के आसपास थी जब इटली एक हुआ। हमेशा सुभाष जी अपने व्याख्यान में ये उदाहरण दिया करते थे, उनके व्याख्यान तो अभी भी आप सुन सकते हैं, टेप पे मौजूद है, कि जब गैरिबाल्डी और मेजिनी कर सकते हैं 6-7 लोगों का संगठन लेकर अपने देश के लिए इतना बड़ा काम, तो नेताजी सुभाष कहा करते थे, मेरे पास तो अभी 1000 सैनिक है, तो मैं तो इससे भी बड़ा कर सकता हूं। तो दुनिया को बदलने के लिए जो दूसरे सारे लोगों के उदाहरण, और एक आखिरी उदाहरण दूंगा क्योंकि वो संतुलित हो जाएगा, क्योंकि ये सब नाम आए यूरोप से, अब एशिया का एक नाम जरूर मैं कहूंगा, सद्दाम हुसैन, जिसको अमेरिका ने सारी दुनिया के सामने विलेन की तरह से प्रस्तुत किया और झूठा इल्जाम लगा दिया कि उसके पास रासायनिक हथियार है, केमिकल वेपन्स है और न्यूक्लियर वेपन्स है, इसलिए उसको मार देना चाहिए। सद्दाम हुसैन के पास ना कोई रासायनिक हथियार निकला, ना न्यूक्लियर वेपन निकला। लेकिन सद्दाम हुसैन की कहानी से जो हम सीख सकते हैं वो ये कि वो विद्यार्थी जीवन का एक छात्र नेता था, बगदाद की यूनिवर्सिटी में वाइस प्रेसिडेंट बना और वहां से उसने अपने देश के लिए काम शुरू किया। इसके वाइस प्रेसिडेंट बनने के समय सारा तेल अमेरिका जाता था और फोकट में जाता था, मुफ्त में जाता था। इसका एक ही नारा था कि मेरे देश के संसाधन दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं, और अमेरिका हमसे तेल ले रहा तो पैसा देना चाहिए, और नहीं दे सकता तो तेल अमेरिका को क्यों जाना चाहिए, हम तेल को बेचेंगे। बस इस मुद्दे पर पूरे देश को संगठित किया और संगठित करके 1789 में राष्ट्रपति बना और 2003 तक राष्ट्रपति रहा।
सारी जनता ने उसको जो सहयोग समर्थन दिया वो तो आप सभी जानते ही है। तो अपने अपने देशों को आगे बढ़ाना और उनके लिए सारी दुनिया से लड़ जाना, जिन लोगों ने ये किया है उन सबकी कहानी ऐसी है, दो तीन लोगों का, चार पांच लोगों का सहयोग लेके काम शुरू किया और वहां तक वो पहुंचे। अब अंत में मैं अपने भारत स्वाभिमान के बारे में जो कहूंगा, हाँ एक और छोटा सा जानकारी छूट गई, अंग्रेज जब भारत आए, हाँ अंग्रेज जब भारत आए तो वो कितने थे आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। जब जहांगीर के दरबार में थॉमस रो की पेशी हुई उसके साथ कुल 18 अधिकारी थे, 18 अधिकारी भी नहीं कह सकते, सामान्य से अंग्रेज थे, कोई बड़े सैनिक नहीं थे, कोई बहादुर नहीं थे, कोई बड़ी पूंजी नहीं, कोई ताकत नहीं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत में, वो दिवालिया हो चुकी कंपनी थी, जिनके पास एक पैसा नहीं था, पूंजी थी नहीं उनके पास, पैसे थे नहीं, और हिम्मत देखो 20,000 मील का सफर करके आ गए, न गांठ में पैसे न उनके पास कोई पूंजी, कुछ नहीं, अच्छा बेचने को भी कुछ नहीं। जब जहांगीर के दरबार में इनकी पेशी हुई, थॉमस रो को पूछा गया कि भाई क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा भारत से व्यापार करेंगे। तो जहांगीर ने पूछा क्या करोगे व्यापार में, क्या बेचने के लिए तुम्हारे पास है, तो उनका कुछ नहीं है बेचने के लिए, तो खरीदने के लिए पैसे हैं, तो उनका वो भी नहीं है हमारे पास, ना खरीदने को पैसे है ना बेचने के लिए कुछ माल है, फिर व्यापार कैसे करोगे। हिम्मत देखो उनकी, एक राजा के सामने, और वो राजा कोई सामान्य राजा नहीं है, भारत के आधे से बड़े ज्यादा साम्राज्य का मालिक है, उसके सामने वो कहता है थॉमस रो कि हम तो आपसे उधारी में माल लेंगे, लंदन में ले जाके बेचेंगे, फिर उसमें से जो पैसा आएगा आपकी उधारी चुकाएंगे, मुनाफा हमारा हो जाए। ऐसी हिम्मत कौम है ये। अब वो क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, वो तो ठीक ही है, लेकिन आप सोचो आपके मन में अगर कल को हम भारत स्वाभिमान के काम के लिए मैं निकलूं, आप निकले और जेब में एक पैसा ना हो, और जाके भारत स्वाभिमान का सारा काम करना हो, तो यहाँ तो ऐसी हवा खिसक जाती, निकले ना निकले, हाँ ऐसे होते हुए किसकी भी है। और ये तो 20,000 मील से चल के आए दूसरा देश, हाँ, और ऐसे देश में आ गए जो इनके लिए अनुकूल नहीं है, गर्मी बहुत है और खाने पीने की वैसी सुविधाएं, जो मांस वो खाते हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी जगह आकर हिम्मत के साथ संकल्प लेकर प्लानिंग करके घुसी गए और जहांगीर को मना ही लिया, जब तक जहांगीर हाँ नहीं बोला दरबार नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जहांगीर ने काफी समय लगाया था, इनको तुरंत अनुमति नहीं दी थी, लेकिन रहे बार 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 अपनी बात कहते ही रहे, और वही बात, पैसे नहीं है फिर भी हम उधारी में मान लेंगे, ले जाके बेचेंगे, आपको हमें मदद करनी ही होगी, और एक दिन कन्विंस कर लिया और वो जहांगीर मान गया और दे दिया। फिर उसके बाद भारत में घुसे तो 18 ही थे ये एजेंट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के, ऐसा दस्तावेजों में कहा गया है कि जब अंग्रेजों की सबसे ज्यादा ताकत थी इस देश में, सबसे ज्यादा ताकत उनकी कम मानी जाती है 1860 के आसपास, जब 1857 के स्वाधीनता संग्राम को इन्होंने कुचल दिया, उस समय 1860-61 में इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, तो 1860-61 में जब इनकी सबसे बड़ी ताकत थी देश में, तब उनकी संख्या कुल 51,316 थी, कुल सारे अंग्रेज अधिकारी सैनिक, उसमें वो रोटी बनाने वाले उनके रसोई, रोटी माने डबल रोटी पाव रोटी, रोटी बनाने वाले रसोई भी उसमें शामिल हैं, घोड़ों की देखभाल करने वाले जो अस्तबल को देखने वाले वो लोग भी शामिल हैं, खच्चर आदि को ढोने वाले सब अंग्रेज कुल मिलाकर 51,316 थे भारत में, जब वो सबसे ज्यादा ताकत में इस देश पर कब्जा करके बैठे हुए थे। और उस समय हमारी आबादी 22 करोड़ की थी, तो हम 22 करोड़ की आबादी के भारतवासी 51,316 अंग्रेजों के गुलाम थे। अब अगर ऐसी बात आज किसी को कही जाए कि 51,316 को 22 करोड़ लोग एक साथ मिलकर फूंक मारे तो उड़ जाए, लेकिन उस समय की सच्चाई तो यही है कि हम 22 करोड़ होते हुए 51,316 अंग्रेजों के गुलाम थे। वो कारण एक ही था कि उनमें दुर्दांत थे बहुत, माने खराब से खराब परिस्थिति में जाकर अपने को स्थापित कर लेना
और अंग्रेजों ने ये बहुत लंबे समय सीखा था फ्रांसीसियों से युद्ध करके, लगातार किसी को युद्ध करते 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 अपने को कैसे स्थापित किया जाता है, ये अंग्रेजों से बेहतर दुनिया में शायद कोई जाति नहीं जानती। मैं इसको एक उदाहरण की तरह से आपको समझाऊं कि अगर आपका कोई ऐसा पड़ोसी आ जाए, मान लीजिए आपका घर है, उसके पड़ोस में कोई ऐसा पड़ोसी आ जाए जो हर दिन आपसे लड़े, हर दिन झगड़ा करे, हर दिन आपको गाली दे, हर दिन आपको तकलीफ और परेशानी में डालने की कोशिश करता रहे, तब आपकी सारी शक्ति उस पड़ोसी से लड़ने में ही चली जाती है। लेकिन इस अंग्रेज कौम से ये सीखने की जरूरत है कि पड़ोसियों से लड़ते भी रहना है और अपने देश को स्थापित भी कराते जाना है। हमें तो आता नहीं है ये। भारत में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि पिछले 1000 साल में हमारी जो सबसे बड़ी कमी या हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो ये कि विदेशियों से युद्ध लड़ते समय अपने समाज को कैसे बचाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये हम भूल गए। अंग्रेजों को ये मालूम था। फ्रांसीसियों से अंग्रेज 300 साल तो लगातार लड़े हैं और उससे पहले भी लड़ते रहे हैं। कई दुनिया के इतिहासकार मानते हैं कि 1000 साल की लड़ाई रही है इनकी विदेशियों से, तो उस लड़ाई को लड़ते हुए अपने को बचा लेना, नहीं तो खत्म हो जाती पूरी कौम। बचा लिया अपने को, और ना सिर्फ बचाया बल्कि स्थापित किया, और ना सिर्फ स्थापित किया बल्कि दुनिया के 70 देशों में जाकर अपने साम्राज्य को स्थापित कर दिया। ये बड़ा विशेष गुण है। अगर भारतवासी इस गुण को सीख सकें तो हमारी जो पड़ोसी देशों के साथ जो झड़पें होती हैं, जो लड़ाइयां होती हैं और जिसमें अक्सर हम बहुत कुछ गंवा बैठते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि पड़ोसियों से झगड़ते रहने वाले देशों के बीच में अगर रहने का आपको मजबूरी हो गई है कि हर समय कोई ना कोई पड़ोसी आपसे लड़ने को तैयार है, तो वहां आप फ्रंट पे भी लड़ते रहें और बाकी समाज भी आपका आराम से स्थापित होता रहे, आगे बढ़ता रहे और ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे। ये दो बड़े काम है। कई बार मैंने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, हमारे पुराने पूर्वज कहते हैं 1965 का जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, 1948 का जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, 1962 का युद्ध हुआ जब भारत चीन का, 1971 का युद्ध हुआ फिर भारत पाकिस्तान का, ये चार युद्धों के बारे में तो हमारे पूर्वज बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि सारा देश एक ही तरफ जाकर स्थित हो गया था कि कैसे युद्ध में दुश्मन को पराजित करना, तो हर आदमी एक ही काम में लग गया और बाकी सब काम हमारे पीछे छूट गए। हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि ये चार युद्धों में हमारी वैज्ञानिक रिसर्च पीछे छूट गई, हमारी कृषि पीछे छूट गई, हमारे उद्योग पीछे छूट गए, हमारा समाज पीछे छूट गया। तो हमने तो शायद ये संतुलन बनाना सीख नहीं पाया कि युद्ध लड़ते हुए विदेशियों के हमलों को झेलते हुए अपने समाज को कैसे बनाए रखा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाता है। अंग्रेज कौन से इतना तो सीखने को मिल ही सकता है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन पर अगर आप नजर डालोगे तो आपको दिखाई देगा भारत के अंदर, भारत के बाहर। और अंत में एक ही बात मैं कहूंगा कि ये सारे उदाहरणों में से अगर एक चीज है जो सामान्य रूप से निकलती है, जिसको हम कॉमन कह सकते हैं, वो एक ही है, संकल्प अगर बड़ा है और उत्साह आप में है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। सिकंदर ये सिद्ध करके चला गया, कुरु ने ये हमारे देश में सिद्ध किया है, ईसा मसीह ने ये सिद्ध किया है, मोहम्मद साहब ने यह सिद्ध किया है, गैरिबाल्डी मेज़नी ने यह सिद्ध किया है, व्लादिमीर लेनिन ने सिद्ध किया है। और एक आखिरी उदाहरण जरूर दूंगा क्योंकि हमारे भारत स्वाभिमान से बहुत मिलता जुलता है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी आप सबको मैं पहले सुना चुका हूँ, एक बार फिर से कह रहा हूँ। जॉर्ज वॉशिंगटन बेहद साधारण से व्यक्ति, साधारण से परिवार में पैदा हुए। अमेरिका उस समय अंग्रेजों का गुलाम, जिस समय जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म हुआ, इन्होंने अपने देश में ठान लिया कि आजादी लानी है, स्वतंत्रता लानी है, अपने देश को आजाद कराना है। और आजादी लानी है, स्वतंत्रता लानी है, देश को आजाद कराना है, तो चल पड़े। अब अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो थोड़े दिन में एक दो सहयोगी मिले, फिर 2-4 हुए, फिर 8-10 हुए, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन ये संगठन इतना बड़ा कर दिया जॉर्ज वॉशिंगटन ने। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी में से जो समझने वाली बात है वो ये कि उन्होंने अकेले से संगठन शुरू किया,
वो पहले अपने संगठन के मेंबर बने। जब पहली बार उन्होंने संगठन बनाया आजादी के लिए तो पहली मेंबरशिप उनकी खुद की थी, माने उनके साथ कोई नहीं था। और धीरे धीरे जब सारे देश में घूमे, संकल्प था कि मुझे अमेरिका को आजाद कराना है अंग्रेजों की गुलामी से। और वो संकल्प लेने के साथ उत्साह भी था कि भले एक आदमी मेरे साथ आए, मैं जाऊंगा, उसको समझाऊंगा कि अपने देश को आजाद करना। और निकले, थोड़े दिन में संगठन बड़ा हुआ। और एक दिन इतना बड़ा हुआ 1776 में कि पूरा अमेरिका ब्रिटेन की गुलामी से आजाद हो गया। और ब्रिटेन उस समय 1776 में, मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं कि 1776 तक दुनिया के 71 देशों पर ब्रिटेन का कब्जा हो चुका था। उस समय अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटेन की गुलामी से। और अमेरिका में जो आजादी आई है ना, उसके सबसे बड़े सूत्र का नाम है स्वदेशी। स्वदेशी का आधार लेकर उन्होंने अपने देश को आजाद करा। जॉर्ज वॉशिंगटन से कोई पूछता था अमेरिका कैसे आजाद होगा ब्रिटेन की गुलामी से, वो कहते थे ब्रिटेन के कपड़े पहनना बंद कर दो, ब्रिटेन का सामान खरीदना बंद कर दो, ब्रिटेन से जो कुछ भी आ रहा है इसका बहिष्कार कर दो, तो ब्रिटिश यहां से भाग जाएंगे, क्योंकि उनको जब पैसे नहीं मिलेंगे तो वो यहां रहेंगे नहीं, हम आजाद हो जाएंगे। तो स्वदेशी के नारे पर चलकर लोगों में ऐसी भावना भरी उन्होंने, आपको सुनकर हैरानी होगी, 1776 के आसपास अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कपड़े नहीं बनते थे उनके, लोग ज्यादातर ब्रिटेन से आयात किए हुए ऊन के कपड़े पहनते थे या गर्म कपड़े पहनते थे। लेकिन जब जॉर्ज वॉशिंगटन ने स्वदेशी का अभियान चलाया अपने देश में, तो लोगों ने ठिठुरती ठंड में मरना मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजी और ब्रिटिश कपड़े सब निकाल के फेंक दिए उन्होंने अपने शरीर। और मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताना चाहता हूं कि ढेर लगाते थे लोग घरों से अंग्रेजी कपड़े निकालना, ऊन के कपड़े, गर्म कपड़े निकालना, ढेर लगाना और उसमें आग लगा जला के नए नए कपड़े जलाते थे। कोई उनको ये कहता था भाई नए क्यों जला रहे हो, जॉर्ज वॉशिंगटन कहते थे कि ये कपड़े नहीं जल रहे हैं, ये मानसिक गुलामी जला रहे हैं जो ब्रिटेन के चक्कर में आकर हमने अपने ऊपर ओढ़ लिए। तो ऐसे संगठन, ऐसे व्यक्ति सारी दुनिया में निकले जिनका संकल्प बहुत ऊंचा था, जिनके उत्साह में कभी कमी नहीं आई, ये दो गुण इन सभी में देखने को मिलते हैं। और उन्होंने सारी दुनिया में अपने देश का नाम किया है, अपना नाम किया है, और ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि वो इतिहास बन गया। तो हम भारत स्वाभिमानी जो सारे देश में निकल पड़े हैं, हमारी संख्या वो बहुत बड़ी है भाई, 5 लाख से ज्यादा तो योग शिक्षक है, और 100-150 तो अपने जीवनदानी ही है, और फिर अपने 10,000 से ज्यादा सारे देश में पदाधिकारी है तहसील से लेकर और केंद्रीय स्तर तक। तो हम तो संख्या में बहुत बड़े हैं, कई संगठनों की तुलना में हम 1,000 गुने बड़े हैं। और फिर अपने साथ तो परम पूजनीय स्वामी जी हैं जो दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सेनापति है, ईश्वर की भी कृपा हमारे ऊपर है, भगवान की कृपा ऐसी बरस रही है इस समय कि बहुत सारे संगठन अपने आप बोल रहे हैं कि हम भी भारत स्वाभिमान के साथ हैं, हम भी भारत स्वाभिमान के साथ हैं। परम पूजनीय शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी ने अगर ऐलान कर दिया कि हम तो भारत स्वाभिमान के साथ हैं, तो आप समझ लो भारत के सारे साधु संत और महंत सबका ऐलान है ये, क्योंकि शंकराचार्य तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते। तो भगवान की कृपा मानता हूं मैं, ईश्वर की कृपा मानता हूं, और हमारे शायद पुण्य कर्मों का भी उदय है। तो इतनी भगवत सत्ता हमारे साथ, साधु संत समाज हमें आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग देने के लिए साथ, करोड़ों करोड़ों लोग जो योग प्राणायाम से ठीक हुए हैं वो हमारे सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं, और हमें दान भी दे रहे हैं लोग, अपने अपने घरों से निकाल निकाल कर दान दे रहे हैं।